हेलो फ्रेंड्स, टेक यूट्यूबर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसे आपके फ़ोन में जो था 5G नेटवर्क आ रहा है और आपका नेट भी चल रहा है, लेकिन आपका वोल्टी नहीं शो कर रहा है। जैसे फ्रेंड आपका फ़ोन 4G होगा या 5G होगा, तो फ्रेंड आप अपने फ़ोन का डाटा ऑन कर देते हैं और आपका डाटा ऑन होने पर नेट चल रहा है लेकिन आपका वोल्टी नहीं शो कर रहा है। इसी तरह से फ्रेंड आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे फ्रेंड इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप अपने मोबाइल को जो था सेटिंग को ओपन कर लीजिएगा। जैसे फ्रेंड आप अपने मोबाइल के सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ से आपको सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आया होगा, जिसे देख सकते हैं सिस्टम अपडेट है। जैसे सिस्टम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन में आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जैसे जो भी आपके फ़ोन में बग हो जाता है तो फिक्स करने के लिए फिर आपको इसको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं डाउनलोड अपडेटेड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से डाउनलोड होगा। जैसे फिर आपका जो फोन में कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो फिक्स जैसे सिस्टम जो आता है वहाँ की टीम जो किसी कंपनी का फोन होगा तो वहाँ से आपका अपडेट आ जाएगा। जैसे अपडेट आएगा तो इस तरह से आप कंप्लीटली अपडेट कर लीजिएगा। जैसे देख सकते हैं फिर हमारे यहाँ से नीचे देख सकते हैं अपडेट हो रहा है। तो जैसे फिर आपका कंप्लीटली अपडेट होगा उसके ऊपर से फिर आपका फ़ोन बंद होगा। जैसे फिर आपका फ़ोन बंद होगा उसके ऊपर से फिर आपको इसको फिक्स कर देना है, ऑटोमेटिक ये फिक्स हो जाएगा। बाय द वे इस तरह से नहीं फिक्स होता है तो आपको अपने मोबाइल के यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग को होम स्क्रीन पर आएंगे। जैसे सेटिंग को होम स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ से स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन में आएगा कनेक्शन एंड शेयरिंग का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन आएगा सेटिंग वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे देख सकते हैं आपको शो करेगा रिसेट सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर इस तरह से इसको कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ से ओके करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आगे बार एक बार ओके कर दीजिएगा। जैसे ओके करेंगे तो फ्रेंड ऑटोमेटिक आपके फ़ोन का जो था नेटवर्क हट जाएगा। जैसे नेटवर्क हट जाएगा कोई भी आपके फ़ोन में बग रहेगा तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। जो देख सकते हैं फ्रेंड हमारे यहाँ से फ़ोन में ऑटोमेटिक नेटवर्क हट चुका है, डायरेक्टली वो आ चुका है। आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से बंद होगा तो यहाँ से लाइट करेंगे तो यहाँ से अपने मोबाइल का डाटा ऑन करेंगे। तो जैसे डाटा ऑन करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं फिर हमारे फोन में जाता वोल्टी ऑप्शन नहीं शो करता, तो ऑटोमेटिक हमारा वोल्टी शो करने लग गया। बाय द वे आपका अपडेट नहीं हो रहा फोन, तो अपडेट नहीं हो रहा तो यहाँ से अपने रिसेट कर दीजिएगा। रिसेट करने बाद फिर से तभी भी नहीं शो करता है तो एक बार अपने फोन को पावर बटन को दबाइएगा। जैसे पावर बटन को दबाएंगे तो यहाँ से रिबूट करने का ऑप्शन आएगा, तो इस पर रिबूट पर क्लिक करिएगा, उसके ऊपर फिर फोन अपने बंद कर दीजिएगा। बंद करने बाद फिर से ऑन करेंगे तो आपका फोन में आपका जो होता है वोल्टी ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, इस तरह से शो करने लगेगा। इस तरह से फिर आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड ये तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी।